हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ एली। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कनाडा और यूके दोनों में से आपको कंफ्यूजन है कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो आज दोनों कंट्री का कंपैरिजन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों कंट्री के डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहला है कनाडा। कनाडा का डिस्टेंस इंडिया से अगर हम काउंट करते हैं तो 12 से 14 घंटे तक की फ्लाइट रहती है जब दिल्ली से आप सिलेक्ट करते हो फ्लाइट। तो और वैसे यूके में जाना है तो आपको 10 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि दोनों कंट्री के बीच में डिस्टेंस किसका कम है और किसका कितना दूर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइमिंग के बारे में। तो यूके का टाइमिंग इंडिया से 5.5 घंटे तक का पीछे है और कनाडा का इंडिया से 12 घंटे तक का डिफरेंस आता है। तो अगर आप टाइमिंग के हिसाब से जाते हो तो यूके आपके लिए और नजदीक और कम टाइम में आपको सेट हो जाएगी कंट्री एज कम्पेयर टू कनाडा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं वेजेस के बारे में। अगर आप कनाडा में हो तो आपको पर आर के हिसाब से 9 कैनेडियन डॉलर मिलते हैं और यूके के अंदर पर आर के हिसाब से आपको 11 पाउंड मिलते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको पता चलेंगे कि कहाँ पे किस तरह का मिनिमम वेजेस मिलता है। तो अब हम बात करते हैं लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में कि जो भी नंबर्स के हिसाब से जनरेट हुआ है वर्ल्ड के अंदर सेटिस्फेक्शन रेशियो जो लाइफस्टाइल को सेट करता है उसके अंदर यूके का 7.4 होता है एंड कनाडा का 7.6 रेशियो रहता है सेटिस्फेक्शन के लेवल के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीआर एंड सिटीजनशिप के लिए। तो आप सभी को पता है कनाडा में जाना है और आपको पीआर होना है तो सबसे पहले आप वहां पीआर हो जाओगे क्योंकि कनाडा में 2 साल के बाद अगर आपका तीसरा साल स्टार्ट हो जाता है और आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो उसके इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते एज कम्पेयर टू यूके। तो कनाडा में आपके पास पीआर होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। यूके में जनरली पीआर होने के लिए आपको 5 से 10 ईयर्स लग जाते हैं तो इतना इजिली वहां पर पीआर नहीं होते। तो अगर आपको आपके फैमिली के साथ सेट होना है नियर फ्यूचर में तो आप को कनाडा सिलेक्शन में आपको इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू यूके। वैसे एजुकेशन दोनों कंट्री में अच्छा है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है कौन सी कॉलेज में जाना कौन सी कॉलेज में नहीं जाना होता है तो वो तो इंडिविजुअल डिसीजन होता है। बट हम बात कर रहे हैं दोनों कंट्री के एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो यूके के अंदर की 16 कॉलेजेस है जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती है और उसके सामने कनाडा की एक भी कॉलेज वर्ल्ड के रैंकिंग में नहीं आती। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की फीस के बारे में। तो हमारे पास दोनों कंट्री की फीस यहाँ पे मैंने आपके बताई। सबसे पहले कनाडा, कनाडा की फीस आपको मोस्ट प्रोबेबली 10 लाख से लेके 14 लाख के आसपास रहती है और जब यूके की आप फीस देखते हो तो 14 से 18 लाख के बीच में पर ईयर के हिसाब से होती है। बट हाँ, दोनों की फीस होती है वो आपका कौन सा कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर मास्टर्स है, उस हिसाब के आपकी फीस वराइज होती है। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट के बारे में, वो है लैंग्वेजेस। अब सभी को पता है कि हम कोई भी कंट्री मूव करते हैं तो हमें कोई ना कोई वो कंट्री की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप सभी के पास दो कंट्री के पॉइंट्स कॉमन रहते हैं, दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। बट हाँ, यूके की इंग्लिश आपको समझने में थोड़ी कंपेटिटिवली कॉम्प्लिकेटेड लगती है एज कम्पेयर टू कैनेडियन इंग्लिश, वो आपको इजिली समझ में आ जाती है। बट हाँ, दोनों कंट्री में से एक चीज अलग है, कैनेडा के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज भी इतनी चलती है जितनी इंग्लिश चलती है। तो कैनेडा के काफी स्टेट और ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज आना आपको बहुत जरूरी होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश चलता है लेकिन वहाँ पे फ्रेंच की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और यूके के अंदर आपको हमेशा एक ही लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ इजीली आप सेट हो सकते हो। तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे दोनों कंट्री में एक अलग आता है। सो मेक श्योर फॉर दिस। सो आज के वीडियो में मैंने आपको पूरे दोनों कंट्री के बारे में बता दिया, डिस्टेंस के बारे में, वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, स्टडी के बारे में, परमिट्स के बारे में। और एट द एंड में आपको बताऊंगी कि अगर मुझे चूज करनी होती है यानी विदेश यात्रा को चूज करना होता है कौन सी कंट्री में जाना है तो मैं कनाडा कंट्री सिलेक्ट करूंगी। इसका रीजन ऐसा है कि कनाडा में इजीली आप पीआर हो जाते हो। अगर आपके फैमिली को बुलाना है तो आप बहुत 5 साल के अंदर आप आपके फैमिली को बुला के इजीली सेट हो सकते हो ऑन एन एवरेज। पर अगर आप यूके सिलेक्ट करते हो और सेटल होने के हिसाब से तो आपको 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है। तो अगर फैमिली को लेके और रिलेटिव सभी के साथ सेटलमेंट होना है
तो कैनेडा इज द बेस्ट कंट्री एज कम्पेयर टू यूके. और आपको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है वो आपके ऊपर होता है. जरूरी नहीं होता कि कैनेडा ही सही कंट्री है या यूके सही कंट्री है. सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. किसी को स्टडी को लेके वहां जाना है, किसी को फैमिली के साथ सेटअप होना है, तो वो इंडिविजुअल चॉइस होती है. लेकिन हमने हमारी चॉइस आपके साथ शेयर की कि हम अगर होते हैं तो हम कैनेडा सिलेक्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको और भी कुछ कंट्रीज के बारे में या फिर कोई कंट्री का कंपैरिजन चाहिए हमारे साइड से, तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइए. मैं हूं मयूरी, साइनिंग ऑफ. जय हिंद.